पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की हालत नाजुक बनी हुई है। वह फिलहाल मोहाली के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। शनिवार को अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टरों की एक टीम नियमित रूप से उनकी शारीरिक स्थिति की निगरानी कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से फोन पर बात की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बीते रविवार से बिगड़ रही थी, इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन गुरुवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। नतीजतन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की तबीयत कई सालों से बिगड़ रही है। पिछले 2 सालों में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।